I feel it, I feel you. I didn't want to do this. Baby, I love you so much. बॉलीवुड को ग्लैमर की दुनिया कहा जाता है, जहां पर आए दिन पार्टियां होती रहती हैं। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बॉलीवुड के उन्हीं सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि आपने अपने पसंदीदा सितारों का ये बहका बहका अंदाज पहले कभी नहीं देखा होगा। आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, सलमान खान, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह, शाहरुख खान और संजय दत्त, दीपिका पादुकोण, श्वेता बच्चन, मलाइका और गौरी खान, सोनम कपूर, विद्या बालन, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो भगवान शिव के गेटअप में दिखाई दे रही हैं। सपना वीडियो में शिव का रुद्र रूप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सपना ने ये वीडियो एक मोबाइल ऐप के जरिए तैयार किया है। बैकग्राउंड में कुछ पंक्तियां सुनाई दे रही हैं। सपना का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। सपना के वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, क्या हुआ, इससे अच्छा खासा सूट पहन के नाचती थी, पैसा ज्यादा सिर चढ़ गया। एक अन्य यूजर का कमेंट है, ओ माय गॉड, सपना चौधरी का ये लुक भी देखने को मिलेगा, सोचा नहीं था। एक और यूजर का कमेंट है, कतई बावड़ी हो गई छोरी। एक यूजर ने राखी सावंत से तुलना करते हुए लिखा, राखी सावंत का भूत आ गया है सपना में। वहीं वर्क फ्रंट की अगर बात करें तो सपना स्टेज शोज के साथ फिल्मों में भी काम कर रही है। 8 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स में वो बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी। अक्षय कुमार आज सफलता के रथ पर सवार हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर रही थीं। उस समय अक्षय को बहुत अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हो रही थीं, जिस कारण उन्होंने खलनायक के किरदार निभाने से भी गुरेज नहीं किया। आज हम आपको अक्षय कुमार की ऐसी ही फिल्मों का नाम बताएंगे जिनमें अकी ने खलनायक का किरदार निभाया है और लोगों का दिल जीत लिया। खिलाड़ी 420। फिल्म खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार का डबल किरदार था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अफलातून। अक्षय कुमार ने अफलातून में भी डबल रोल ही निभाया था, जहां एक अच्छा था तो दूसरा गैंगस्टर। अफलातून में अनुपम खेर और उर्मिला मातोंडकर ने भी कमाल का काम किया था। अजनबी। फिल्म अजनबी में अक्षय कुमार ने एक लोभी इंसान का किरदार निभाया था, जो बॉबी देओल को अपने जाल में फंसाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी और लोगों को अक्की खूब पसंद भी आए थे। ब्लू। संजय दत्त और अक्षय कुमार स्टारर ब्लू एक बिग बजट फिल्म थी, जिसमें सभी लोग समंदर में डूबा खजाना खोजने निकलते हैं। फिल्म की रिलीज से पहले लोगों में इसको लेकर बहुत उत्साह था, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं दिखा पाई। Once Upon a Time in Mumbai दोबारा। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक गैंगस्टर का किरदार निभाया था। फिल्म में दर्शकों को केवल अक्की बाबा की अदाकारी ही पसंद आई थी।
अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।